तुम तो दुर्गा माँ की भक्त हो ना, मुझे लगा तुम्हें ये अच्छा लगेगा। हेलो शौर्य, we've got him। हाँ मॉम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो आदमी शौर्य, विनीत त्रिपाठी। क्या? वो जर्नलिस्ट हमें मिल गया है। मिल? मॉम, you're a rock star। मॉम, I love you। बाथुर के आदमी उसे आधे घंटे में यहाँ ला रहे हैं। तुम कहाँ हो? मॉम, यहाँ पे पहुँच हो रहे हैं। मैं घर पे आके बात करता हूँ। I'll be home soon। Bye। दुर्गा। क्या हुआ शौर्य? You know what? तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। Really? क्यों? तुम यकीन नहीं करोगी। तुम्हारी पार्टी में वो जो जर्नलिस्ट था ना, विनीत त्रिपाठी, उसका पता चल गया। माथुर उसे हमारे घर पे लाता ही होगा। अब उसे पता चलेगा कि शौर्य गोइंका से उलझने का नतीजा क्या होगा। दुर्गा, वो देखो कितनी खूबसूरत मूर्ति है ना माँ की। मैं उन्हें इस तरह से जीतने नहीं दूंगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो भी अभी इसी वक्त। ये इसे उठाकर यहां लाना है। मैं यही इंतजार कर रहा हूं। जल्दी 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 कमा। दुर्गा, वो देखो कितनी खूबसूरत। दुर्गा, दुर्गा, अगाई शिफ्ट करो, थोड़ा लेफ्ट सेंटर दो। हो गई तुम्हारी दोनों सीन की पक्का? Pick up the phone। अरुण दादा, हाँ अपना रूम में थे, अपना फोन बाजछे। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। मिनट बाद आऊं मेकअप रूम से, ठीक है? सब संभाल लेना। लोकटा कोथाय? अरुण मुखर्जी कोथाय? से चल गेले गेसिस। हां अरुण मुखर्जी कोथाय? मेकअप रूम। शौरी, तुम्हें ही फोन लगा रहा था, कहाँ गायब हो गई थी? मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी, भीड़ में पता ही नहीं चला। चले यहाँ से। चलो चलो। Out of there.
हड़बड़ाहट में फोटोग्राफ्स पीछे छोड़ गए। घबराहट में नहीं, जानबूझकर ये छोड़ गया। ये सब प्लान किया गया था। जर्नलिस्ट या थिएटर वाला जो कोई भी हो, अगर वो हमारे हाथ लग जाता है तो फिर बिल्कुल राजनाथ, सारे जवाब मिल जाते। मुझे लगता है कि किसी ने लास्ट मोमेंट पर उसे टिप ऑफ किया है, वरना उसका इस तरह से निकलना इम्पॉसिबल था। हेलो, आप लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों है? कोई मर गया है क्या? नहीं बेटा, मरा नहीं, पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म? साउंड्स इंटरेस्टिंग। पुराने जख्म का पुनर्जन्म हुआ है। What is this? इसका क्या मतलब है? इसका जवाब कल तक मिल जाएगा ना माथुर? मिसेस गोयनका, मैं एक बात समझ लो माथुर, ये उस विनीत त्रिपाठी या अरुण मुखर्जी का काम नहीं है। विनीत त्रिपाठी, वो जर्नलिस्ट, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। शारिया, पूरी बात सुनना सीखो। ये उसका काम नहीं है, ये एक षड्यंत्र है और पूरा प्लान्ड है। उस पार्टी में जर्नलिस्ट त्रिपाठी का आना, फिर उसका थिएटर वाला अरुण मुखर्जी निकलना, तुम्हारा उस तक पहुंचना और उसका बच निकल जाना, लेकिन तुम्हारे याद ये फोटोग्राफ्स आना, ये सब प्लान्ड था। एक चाल थी और हम इस चाल में फंसते चले गए। लेकिन ये कौन हो सकता है? जख्म दुश्मन ही कुरेदते हैं। 2 साल हो गए हैं इस केस को और ये इंसान 2 साल से ये प्लान कर रहा है। जस्ट डजंट मेक सेंस, दिस जस्ट डजंट मेक सेंस एट ऑल। केस तो हमने और पहले बंद करवा दिया था। इस केस को इतनी अच्छी तरह या तो हम जानते हैं या तो पायल और उसकी फैमिली। पायल तो मेंटल असाइलम में पड़ी है, उसके पेरेंट्स और वो उसकी बहन नित्या, वो तो कब के मर चुके होंगे, तो और कौन बचा? ऐसे केसेस में हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसकी शुरुआत घर से करनी चाहिए। कोई आज जादू से मुझे ये बता दे कि गोयनका हाउस में क्या हो रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर दूं। बाबा, साक्षी चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, गुस्से से कांप रही होगी वो।
बिल्कुल नहीं। साक्षी गोयनका एक सांप की तरह है बाबा। गुस्से या डर में भी सांप कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ता, वैसे ही प्यार से आगे रेंगता रहता है, ज्यादा से ज्यादा अपना सर उठाकर या फिर फंड लहराकर। अरुंधत ठीक है जी? तो अभी तक बहुत दूर पहुंच गया होगा वो, इनके हाथ नहीं आने वाला। तो इस गेम की शुरुआत हो गई बाबा, और स्कोर है 1-0 हमारे पक्ष में। Good morning. Good morning, ma'am. Welcome to Goenka Group of Companies. इसे डैड अपना मंदिर मानते हैं। तू पहली बार आ रही हो ना मेरे ऑफिस, देखोगी तो इम्प्रेस हो जाओगी। आओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। Let me show you. This is the most busiest part of our office. सबसे बिजी हिस्सा है। शौर्य, तुम्हें लगता है मैं यहाँ पहली बार आई हूँ? लेकिन इससे पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ। Like it? Okay, and that cabinet you see? That's the heart of our office, Mr. Mathur ki office. बस कुछ काम अधूरा रह गया था, उसे अंजाम देने आज फिर से आना पड़ा। कमाल छुई। Here he is. अरे शौर्य, मैं तुम्हें फोन ही करने वाला था। मिस्टर माथुर, दुर्गा ठाकुर। हाँ, डॉक्टर दया ठाकुर की बेटी। स्वागत है आपका। माथुर जी, प्लीज हम पर रहम करिए। माथुर जी, आपका जमीर आपको इसकी इजाजत कैसे दे सकता है? प्लीज मेरे जमीर की फिक्र तुम मत करो। मेरा जमीर तो वैसे ही पैसों के बोझ तले दबा हुआ है। बहुत भारी होता है बोझ पैसों का, और यहां मेरे सामने रहम की भीख मांगकर कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बहन जो गुस्से से मुझे वहां घूर रही, उसे कहना इस गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। बड़ा अगर तुम अपना केस वापस लेने का सोचो तो मेरा नाम याद रख माथुर, नवीन माथुर। I'm sorry, शौर्य, क्या नाम बताया तुमने इनका? माथुर, नवीन माथुर। अगर गोयनकास किसी को आंख पर पट्टी बांध कर ट्रस्ट करते हैं तो वो है मिस्टर माथुर। Well, nice to meet you, मिस्टर माथुर। आजकल वफादारी की मिसाल मिलती कहाँ है? लोगों की जमीर तो पैसों के बोझ तले दबे हुए हैं। Anyway, I have a meeting to attend and I'll join you guys shortly. Please. तुम्हारी पार्टी में जो हंगामा हुआ था ना, उसके बाद बैड प्रेस, सब कुछ हैंडल करने वाले मिस्टर माथुर। इनफैक्ट वो जर्नलिस्ट भी फेक था, अरुण मुखर्जी, उसकी भी कुंडली इन्होंने ही निकाली। चले कम, I'll show you my cabin. सबकी कुंडली निकालने का बहुत शौक है ना आपको मिस्टर नवीन माथुर? बहुत जल्द आपकी कुंडली मैं निकालूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच।